खरगोन जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार को आईपीएस अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड में नाम आने पर जिले के पुलिस महकमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने एएसपी पवार को बैच लगाकर सम्मानित किया। पवार ने अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी विभाग में काम करने की सराहना और प्रोत्साहन मिलने से कर्मचारी का मनोबल तो बढ़ता है, साथ ही काम में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। पवार ने बताया, उन्हें पुलिस विभाग में सेवा देते हुए 27 वर्षों का लंबा समय बीत गया है। अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। वे अब राज्य के साथ केंद्र सरकार के लिए भी काम करेंगे, इससे जिम्मेदारी के साथ सम्मान भी बढ़ेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे लिए और मेरे हमारे विभाग के लिए फख्र की बात है, जिले के लिए, कि मुझे 10 तारीख को जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA से जारी हुआ है उसमें IPS अवार्ड हुआ है, और उसके तहत अब हम लोग मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ भारत सरकार के भी सेवक हो गए हैं और अब हम भारत सरकार के लिए भी सेवाएं देंगे। लगभग 27 साल के आपके पुलिस कैरियर में आप जाकर IPS अवार्ड पाए हैं आपने। हाँ, इस बात का थोड़ा सा वो रहता है कि इतना लंबा समय के बाद जो है अवार्ड होना में कहीं ना कहीं इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसमें इतना ज़रूर होना चाहिए कि समय पर अगर पदोन्नति हो जाएगी तो हौसले और अधिक अच्छे रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।